हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नीमत। चलिए बनाते हैं एक हर्बल टी जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही फ्रेग्रेंट और बहुत ही हेल्दी है। और इनमें जो इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किया है वो आमतौर से हर घरों में मौजूद होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज पील, तुलसी के पत्ते और सौंफ का इस्तेमाल किया है। ऑरेंज पील में विटामिन सी भरपूर होता है और हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इसलिए वेट लॉस में ये टी बहुत काम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी में तो इतनी खूबी है कि इसका एक पौधा हर घर में होना ही चाहिए। इसके पत्तों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से बरसात में होने वाली तमाम बीमारियों, रैशेज, दाने फोड़े फुंसी पर ये काम करता है। साथ ही ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। किसी भी तरह का फीवर जो बरसात में आ जाता है उसे कंट्रोल करता है और माउथ फ्रेशनर भी है। ये किसी भी तरह के सर दर्द में भी काम आता है और कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक होता है और इसमें डाइजेशन को सही करने के भी तत्व मौजूद होते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। सौंफ को देखें तो ये डाइजेशन को ठीक करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है और मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट रखता है। इसकी वजह से बरसात के दिनों में जो भूख की कमी होती है वो नहीं होती और इस चाय को पीने से मूड बेहतर रहता है, एनर्जी बनी रहती है और मन एक्टिव रहता है। तो चलिए बनाते हैं इस टी को। चाय बनाने के लिए आमतौर से सॉस पैन में सारे इंग्रेडिएंट डालकर उन्हें बहुत देर तक बॉयल किया जाता है, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से इसके सारे हेल्दी प्रॉपर्टीज़ एवोपरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें सारे इंग्रेडिएंट को डाल देना है और ऊपर से बॉयलिंग वाटर पोर करना है। इस तरह से ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में पड़ा रहेगा और इन्फ्यूज़ होगा, तो इसके सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पानी में समा जाएंगे और इसमें जो हेल्दी एसेंशियल ऑयल है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा संतरे का जेस्ट भी इस्तेमाल किया है जिसे मैंने कद्दूकस से खुरच लिया है। अगर आप इसे कफ एंड कोल्ड के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लौंग का इस्तेमाल करें, और हाजमे के लिए बनाना चाहते हैं तो कुछ टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा अदरक का कुचल कर डाल दें। अब इस खौलते पानी में ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, ढक्कन लगा दें और इसे कम से कम 20 मिनट तक गर्म पानी में ही रहने दें, ऊपर से कपड़ा ढक दें। अब एक कप में मैंने यहाँ पर शहद डाला है, आप इसमें मिश्री या चीनी भी डाल सकते हैं। इसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक स्लाइस संतरे का डालें, अगर संतरा नहीं है तो लेमन पील और उसके स्लाइसेस से भी काम लिया जा सकता है। अब एक छन्नी रखकर जो मैंने चाय को इन्फ्यूज़ किया है उस चाय को इसमें डाल दें। आप देखेंगे कि ये बहुत ही मॉडरेट गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा हुआ है। इसकी खुशबू और इसका कलर सभी बहुत बेहतर होता है इस तरह से चाय बनाने में। और इसकी चुस्की लेकर देखें, ये बहुत ही मज़े का बनता है और जब आप एक बार इसे बना लेंगे तभी आपको इसकी खुशबू और इसका टेस्ट समझ में आएगा। विटामिन सी से भरपूर ये चाय आपके टीथ एंड बोन्स पर भी काम करता है और आपके स्किन और बालों को भी मजबूत और चमकदार बनाकर रखता है। तो दिन में 2 बार ये चाय पीनी ही चाहिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद इसे नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी उम्र का इंसान ले सकता है, किसी भी वक्त इसे पिया जा सकता है। ये चाय फाइबर से भरपूर है तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कब्ज़ होने नहीं देता। तुलसी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी वजह से बरसात के दिनों में होने वाले रैशेस, फोड़े फुंसी और पिंपल्स को ये रोकता है। बरसात के दिनों में जो सर में रूसी हो जाती है और उससे होने वाली खुजली से भी ये बचाता है, साथ ही बालों के टूटने और झड़ने की समस्या को भी दूर करता है। तुलसी की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बरसात में घमौड़ियाँ नहीं होती। सौंफ में इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाहियत होती है, तो उसकी चाय से आपकी भूख बढ़ती है, हाजमा मजबूत होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल होने की वजह से
मन शांत रहता है और अच्छी नींद आती है। बची हुई चाय को बर्बाद न होने दें, इसे संभाल कर रखें और दिन के किसी वक्त भी आप इसे ठंडी या गर्म पी सकते हैं। इसे सादे और सिंपल ढंग से बिना मिठास के भी सर्व किया जा सकता है, तो आप इसे बनाएं, पिएं और पिलाएं। उम्मीद है ये चाय आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाजार से महंगे महंगे ग्रीन टी बैग्स लाना ही भूल जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आज का दिन आपका बेहतर गुजर रहा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ बनाए रखें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कुकिंग।